अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और इधर हम सुबह उठ गए थे तो मामा ने सोचा कि हमें मिल्क शेक बना के दे दिया जाए। तो इधर मेरी मामा ने मिल्क शेक बना लिया था। ये देखें, ये हमारी मशीन है, इसको बस हल्का सा ऐसे करना होता है और हमारा मिल्क शेक तैयार हो जाता है। और इधर हमें मामा नाश्ता बना के देने लगी हैं। नाश्ते के अंदर अंडा है, 2 अंडे 60 रुपये के, जो कि बहुत ही महंगे हो गए हैं। दो अंडे और फिर मामा इधर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेगी। लाल मिर्च के बाद सारे मसाले डालेगी। इनका मुझे नाम तो याद नहीं है, कुछ कुछ का याद है। ये अब मामा मेरे ख्याल से काला नमक डाल रही है और यहाँ पर मेरी मामा कलवंजी डाल रही है और यहाँ पर मेरी मामा पुदीना डाल रही है और यहाँ पर मेरी मामा ने नमकदार डाल लिया। और हमारा अंडे का बैटर तैयार हो गया है। तो अब मेरी मामा इसे मिक्स करेंगी। ओ, ये क्या डाला है? ज़ीरा डाला है, ठीक है। तो अब मेरी मामा यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हमारा अंडा तैयार हो रहा है। देखें, ये अंडा बहुत ही प्यारा तैयार हो रहा है। देखें कितना मज़ेदार लग रहा है खाने में ही, देखने में ही। ये भी हल्का हल्का सा हो रहा है वो। तो मेरी मामा इधर आटा गूंदना शुरू हो गई हैं। मेरी मामा आटा गूंद, बहुत ही रोटी बहुत ही प्यारी बनानी आती है मेरी मामा को और मुझे भी बनानी आती है, लेकिन मैं बनाता नहीं। और यहाँ पर मेरी मामा ने पराठे रख दिए हैं ऊपर, तवे के ऊपर पराठे रख दिए हैं। और यहाँ पर मामा हमारे पराठे तैयार कर रही हैं। देखें, यहाँ पर पराठे तैयार हो गए हैं हमारे। और यहाँ पर हम मिल्क शेक के साथ पराठा और पराठे के साथ अंडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना पेपर है आज, तो हम पेपर की तैयारी कर ली जाए, जो कि हमें हरगिज़ नहीं आता था। तो इधर हम लोग स्कूल से आ गए हैं। मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जानव की दीजा का पेपर बहुत ही बुरा हुआ, उनको कुछ आता ही नहीं था। एक बार मुझे क्वेश्चन आया था और एक ऐसे और स्टोरी और लेटर उनको इधर कुछ आ ही नहीं रहा था। और मैं इधर मामा को शिकायतें बता रहा था और बता रहा था कि मेरा पेपर कैसे का हुआ है। और यहाँ पर जो है ना, मेरे से दोबारा बताओ कि इसका बहुत अच्छा हुआ था, हमें क्या सारा कुछ किया और मेरे से लड़ रहे हैं। कितने क्वेश्चन किए? देखिए आजकल के बच्चों के हालात, और मैं जो एरिया के पेपर से वो रो रही है उधर और यहाँ रो रही है। और यहाँ पर हम स्कूल से आ गए थे तो हमारी डेली रूटीन यानी कि अब यहाँ तक ख़त्म हो जाती। तो आप सबको अल्लाह हाफिज़।